हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। अभी बात चल रही थी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में ना कुछ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस हैं, बहुत ही सिंपल से एप्लीकेशंस हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ एप्लीकेशंस, पर कुछ सिंपल एप्लीकेशंस हैं। एक एक समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास चार सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत विशाल प्रॉब्लम है, कोई थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो ये चार सवाल है, लगभग एक ही फंडामेंटल पे चल रहा है, एक ही फंडामेंटल पे चल रहा है। वो फंडामेंटल क्या है? वो कहता है कि अगर दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें एक लाइन मिलता है, एक लाइन मिलता है, राइट? अच्छा, दो पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, ठीक है। अगर आपको तीन पॉइंट्स हैं आपके पास, आपको दो लाइंस, आपको देखने में कितने लाइन ज्वाइन कर सकते हैं तीन पॉइंट्स से, तो ये हम एक लॉजिकल इस चीज को देख सकते हैं। भाई ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं, आप कितने सारे लाइंस यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, कितने सारे लाइंस पॉसिबल है? आप क्या करते हो, आप ऐसे ज्वाइन करते हो, थ्री ऐसे ज्वाइन, तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे 3C2। तो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन से इंटरप्रिटेशन जो भी आप कहोगे इनके क्वेश्चन के, ये होते हैं कि अगर आपके पास एन पॉइंट्स हैं तो आप NC2 अगर निकालने हैं, राइट? तो आप लाइंस निकाल रहे हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइंस पॉसिबल। तो इस लॉजिक पे हम काम करेंगे। तो यहां पे जैसे मैं कह रहा हूं तीन पॉइंट्स हैं, तो तीन पॉइंट्स का मतलब हमें दो पॉइंट अगर जोड़ते हैं हम लोग, इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स देन ओनली वी गेट अ लाइन, देन ओनली वी गेट अ लाइन, दैट मींस देयर आर थ्री लाइंस, राइट? तो यहां पे आपके पास तीन साइड है, तो 3C2 हो गया मेरे पास, पॉइंट्स आपके तीन हो गए, तो उसमें से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो। इसका मतलब दो सिलेक्शन करते हैं, अगर नंबर ऑफ पॉइंट लाइंस हमें निकालना है, दो पॉइंट्स चाहिए, तो दो पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, है ना, फिर ज्वाइन करते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये आप लिखते हो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट, विच इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसे मैं लिखता हूँ 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये आया कैसे, ये आपको पता ही है। खैर फिर ना थोड़ा सा फॉर्मूला को एनालाइज कर देते हैं। ये आपका एनसीआर से आया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हर क्वेश्चन, जो भी सवाल यहां दिया हुआ है, हर क्वेश्चन इसी फंडामेंटल पे है कि भाई जितने नंबर पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करो, ठीक है, दो दो पॉइंट ज्वाइन करोगे तो लाइंस आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। अगर लाइंस की बात, स्पेसिफिक कोई लाइन का अगर नाम है, डायगनल्स हैं कुछ हैं, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसी में से उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं लाइंस को हम लोग उसमें NC2 में इंक्लूड कर लेते हैं, राइट? तो उसको निकालने का एक तरीका होता है, वो मैं अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। अब सोचो सर, ये क्वेश्चन नंबर वन कैसे करें? क्वेश्चन नंबर वन में आप देखेंगे, हाउ मेनी डायगनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। अगर एन साइड्स हैं, इसका मतलब, अच्छा, एन साइड मीन्स व्हाट? इट्स इंप्लाइज एन पॉइंट्स, राइट? ऑब्वियसली देयर आर एन वर्टिसेस, एन पॉइंट्स, एन वर्टिसेस, राइट ना बेटा, ठीक है। तो जब भी आप डायगनल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा डायगनल, तो डायगनल की बात करते हैं तो दो पॉइंट, क्योंकि एक डायगनल भी तो एक लाइन है ना, तो दो पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, राइट, ठीक है, NC2 ये आप ज्वाइन करोगे। तो यहां पे बच्चों आपको मतलब लाइंस मिल जाएंगे, जो जो पॉसिबल लाइंस, जो जो पॉसिबल लाइंस है आपको मिल गए, एन पॉइंट्स हैं, एन वर्टिसेस हैं, उस पॉलीगन में एन वर्टिसेस, एन पॉइंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास लाइंस आ जाते हैं, बट इन लाइंस में, इन लाइंस में हर चीज डायगनल नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अ डायगनल, राइट? सो देयर मे बी सम अदर केसेस, कैसे हम उसको निकालें, क्या, किस तरह से, किस टेक्निक से निकालें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ डायगनल्स की बात करूं, ठीक है, नंबर ऑफ डायगनल्स की बात करूं, तो नंबर ऑफ डायगनल्स जो होगा वो होगा NC2 - n। अच्छा, ये n क्या, अब ये भी हमें देखना पड़ेगा भाई, n क्या, n इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ये जो आपके पास देख रहे हैं,
ये सपोज सिक्स है हेक्सागन, एन की वैल्यू सिक्स है बेटा, ध्यान से देखें इसको, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट डायगनल्स, राइट, डायगनल्स की बात कर रहे हैं हम लोग ऑब्वियसली, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट डायगनल्स ना, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डायगनल्स। बट आप इनकी बात नहीं कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बेटा, एन साइड्स की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो ये तो हमें, वी डोंट वॉन्ट दिस, ये जो साइड्स हैं, साइड्स साइड्स नॉट नीडेड, ये नीडेड नहीं है, ओनली डायगनल्स आर नीडेड, ओनली डायगनल्स आर नीडेड, राइट। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी अगर पॉलीगन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉलीगन के साइड्स प्लस प्लस साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, एन साइड्स है, कुछ भी लेने आप एन साइड्स ले, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, एन साइड्स, ठीक है ना, एन साइड्स प्लस, व्हेन यू टॉक अबाउट साइड्स वी आर टॉकिंग अबाउट द साइड ऑफ द पॉलीगन, दैट मींस द एक्सटर्नल साइड, दिस साइड्स वी आर टॉकिंग अबाउट, प्लस डायगनल्स इज इक्वल टू एन सी टू बेटा, ठीक है। अगर मैं एन साइड्स की बात करता हूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लस डायगनल, दिस इज द फॉर्मूला वी कैन से। इसका मतलब ये हुआ कि डायगनल जो होगा, जो डायगनल होगा मेरे बच्चे, वो होगा एन सी टू माइनस एन साइड, बिकॉज साइड से हमें तो मतलब नहीं है ना, एन, अच्छा ये दोनों मिला के एन सी टू था, ये दोनों मिला के एन सी टू था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द साइड्स प्लस द डायगनल्स, सो साइड्स प्लस डायगनल्स इक्वल टू एन सी टू। व्हेन यू टॉक अबाउट डायगनल्स, डायगनल नंबर ऑफ डायगनल्स, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एन सी टू माइनस साइड्स, ये साथ वाले साइड इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, बट एन सी टू में तो हर चीज इंक्लूड है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एन सी टू माइनस एन की अगर बात करते हैं तो आपके पास ये आता है, राइट, ये है ना बच्चे, इस तरह से लगता है। नाउ अगर हम इसकी इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो ऑब्वियसली ये स्टेप नंबर वन, एन साइड्स का मतलब एन पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल इज दिस, नंबर ऑफ डायगनल्स देन एन सी टू, लॉजिक आपका ये था, ठीक है, साइड्स आर नॉट, ओनली डायगनल्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो स्टेप नंबर फोर पे थोड़ी सी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट एन सी टू, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, दिस इज एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो इस कैलकुलेशन को भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ डायगनल्स की बात करूँ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट, नंबर ऑफ डायगनल्स की बात करूँ मैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन दिस फैक्टोरियल माइनस एन माइनस टू फैक्टोरियल माइनस, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एन, इसको हम एन फैक्टोरियल, दिस इज एन माइनस वन, एन माइनस टू फैक्टोरियल, टू इंटू वन, दिस इज एन माइनस टू फैक्टोरियल बेटा, दिस इज एन। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा गया मेरे बच्चे, इस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस एन, और वी कैन टेक एन कॉमन, दिस इज एन माइनस वन बाई टू, दिस इज माइनस टू एन, राइट, यही है हमारे पास, इज़न्ट इट, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने इस कैलकुलेशंस को किया टोटल मिला के, ठीक है, अच्छा इसमें हमने जो एन कॉमन लिया था सर, ये हमने एन कॉमन लिया था, ठीक है ना, एन कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वन था सर, ये वन था, तो मैंने क्या किया एन, राइट, तो ये आपके पास टू आ गया, तो ये एन माइनस वन हो गया, ये क्या हो गया मेरे बच्चा है, दिस इज नथिंग बट टू, ठीक है, क्योंकि मैंने एन यहाँ से कॉमन लिया था, सो आई हैव रिटन हियर टू एन, यहाँ पे n कॉमन लेने के बाद वी गेट द थिंग्स, सो दिस इज n विच इज n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ओके। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो हमेशा याद रखना जब भी एन सी टू की बात करते हैं किसी भी हेक्सागन में या पॉलीगन में एन सी टू की बात करते हैं तो एन सी टू का मतलब ये होता है कि आप पूरे साइड्स और डायगनल्स दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप जब भी डायगनल्स की बात करोगे तो आप n से एन सी टू से n को माइनस कर दोगे, ठीक है। Now, ये तो चीजें हो गई बेटा, n into n minus 3 by 2 आ गया, तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन, राइट, कितने कितने पॉइंट्स, सिक्स पॉइंट्स, हेक्सागन हमें ट्राइंगल्स बनाना है तो तीन पॉइंट्स चाहिए, तीन पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि आप 6c3 ले लोगे, ठीक है। इसी तरह से पॉलीगन का फॉर्मूला मैंने बता दिया, m पैरेलल साइड्स लाइंस इन अ प्लेन की बात करते हैं, n पैरेलल लाइंस की बात करें कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं, ऑब्वियसली दो
हमें पैरेलल लाइंस की बात करें तो दो पैरेलल लाइंस, हमें एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए दो पैरेलल लाइंस, दो दो पैरेलल लाइंस चाहिए ना पेयर्स के फॉर्म में। तो इसमें से एम सी टू और इसमें से दो निकाले एन सी टू, तो इस लॉजिक पे ये काम किया जाता है। तो एम सी टू इंटू एन सी टू अगर करेंगे तो ये नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स आ जाएगा। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस हैं, छोटी सी बात है बट समझने की बात है, ठीक है। आप अगर एक बार समझ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को तो थिंग्स विल बी ओके, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।